राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं रेखा, मेरे घर के खाने में आपका स्वागत करती हूं। और आज जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूं, वो शायद ही आप लोगों ने कभी बनाया होगा या खाया होगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मैंने इस रेसिपी के लिए पालक और थोड़े से बथुए लिए हैं और हरी मिर्च को काट रही हूँ। ये 5 से 7 हरी मिर्च है, इन सभी को अच्छे से मैं काट लूँगी और हरी मिर्च को मैं रख लेती हूँ, साथ में बथुए को भी काट लूँगी। और ये पालक, और पालक की क्वांटिटी ज़्यादा है, बथुए की कम है। तो ये देखिए, अगर दोस्तों ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, बथुआ और पालक आयरन कैल्शियम से भरपूर होते हैं, साथ में सिमफलियाँ, तो इसमें कैल्शियम इसमें भी होता है, आयरन होता है, फाइबर होता है, तो ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और मैं इसको बारीक बारीक काट लूँगी, रफली चॉप करूँगी, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटूँगी। और एक बार आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी बन के तैयार होता है। सर्दियों का सीज़न है तो ये आजकल ही मिलता है, खास करके सीजनली सब्जी है ये। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म हो चुका था तो तेल डाल दिया है और साथ में मिर्ची डाल दिया है, और अब पालक और ये बथुए का साग डाल रही हूँ। दोस्तों, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं पकाने में, झटपट बन के तैयार हो जाती है और स्वास्थ्यकारी तो है ही ये, साथ में स्वादिष्ट भी बहुत है। तो इन दोनों को मैं अच्छे से पकने दूंगी। और यहाँ पे सेमफलियाँ भी मैं डाल रही हूँ और सेमफलियों को डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी साग के साथ। और इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी होता है, दोनों चीज़ों में पानी होता है, सिमफलिया में भी पानी होता है और पालक बथुए में तो होता ही है। तो इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स करके, ये देखिए यहाँ पे मिक्स करके नमक डाल देती हूँ। नमक डालने से दोस्तों सारा पानी रिलीज कर देगा तो बहुत जल्दी पक जाएगा। और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दूँगी। और दोस्तों, 5 से 7 मिनट के बाद आप देख पा रहे होंगे सारा पानी निकल चुका है, सिमफलियों ने भी और पालक बथुए ने भी अपना पानी रिलीज कर चुका है। तो दोस्तों, थोड़ा देर इसको और मैं पकाऊंगी ढक के 3 से 4 मिनट के लिए और ये तैयार हो जाएगा उसके बाद। दोस्तों ये देखिए, 3 से 4 मिनट के बाद पानी भी थोड़ा थोड़ा सूख चुका है। तो मैं इसमें अब टमाटर ऐड कर रही हूँ, ये एक बड़ा टमाटर है। आप अगर छोटे छोटे ले रहे होंगे तो 2 टमाटर लीजिएगा, ये बड़े साइज़ का एक टमाटर था तो मैंने इसको काट के डाल दिया है। और अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसमें हल्दी भी डाल देती हूँ, बस चुटकी भर हल्दी डाला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, या तो फिर आधी छोटी चम्मच से भी कम हल्दी डाला है मैंने। और हल्दी टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर से 1 से 2 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दूँगी, क्योंकि हल्दी का कच्चापन भी निकल जाएगा और टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है, हल्दी भी अच्छे से पक गया। तो मैं इसको अपने हाथों से करछी की मदद से मैश करूंगी इस तरह से, और हल्के हाथों से मैश करेंगे तो बहुत अच्छा ये मैश होकर तैयार हो जाएगा। 4 से 5 मिनट लगेंगे दोस्तों मैश करने में, और ये देख पा रहे होंगे कितना अच्छा बन के तैयार हो चुका है साग, आयरन और कैल्शियम से भरपूर। दोस्तों देखिए, कलर भी बहुत अच्छा आया है, कुछ डाला भी नहीं इसमें, बस एक छोटा सा तड़का लगाऊंगी इसमें। ये मैंने करछी को गर्म कर लिया और इसमें 3 बड़े चम्मच या 2 बड़े चम्मच मैंने तेल डाल दिया है, और सूखी लाल मिर्च, साथ में सरसों के दाने मैं डाल के और इसी का तड़का लगाऊंगी। दोस्तों, सेमफलियाँ और पालक की जो सब्जी बनाते हैं तो उसमें इसका तड़का बहुत अच्छा लगता है, और मैंने तो साग बनाई है लेकिन आप सब्जी भी बनाइएगा तो उसमें भी इसका तड़का डालिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। साग में तो लगता ही है, सब्जी में भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये क्विकली रेसिपी बन जाने वाली थी, सो मैंने बनाया है और आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। तो बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप लोगों को। और झारखंड में दोस्तों, हम साग को चावल के साथ खाना पसंद करते हैं, तो हमने चावल के साथ परोस लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्ण। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।